कैसा है मम्मी? अच्छा मीठा है। तुम उस दिखा क्या लग रहा है? अंदर कट गया है। अंदर कैसे कट गया है? ज्यादा गुआवा खाओ नहीं। अभी हम लोग ब्रंच कर रहे हैं क्या? क्योंकि 11 बज चुका है, 12 बजने वाला है। इसलिए नाश्ता नहीं हुआ है और गुआवा में खा रही हूँ। बाकी सब लोगों ने कर लिया है नाश्ता, मम्मी ने नहीं किया था और मैंने। मामी वो तो डायरेक्ट जाता है ना खाने, हर चीज़ का देना जरूरी है। अब तुम नहीं खाना, सर्दी हो जाएगी। और खाने में आज बनेगा चिकन, जो कि मम्मी बनाएगी। फूर का खाएंगे। मम्मी बनाएगी, तू बनाएगा। हर जगह मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बाहर। घर से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूरी पे लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिस दिन थी ना, 23 जनवरी को, उस दिन यहाँ पे एक महीने के लिए वो मेला लगता है। तो इसी बीच में आ गई हूँ तो सब मेरा ही वेट कर रहे थे। अभी तो कोई नहीं गया है घूमने के लिए, तो मैं आई हूँ तो सब बोल रहे हैं कि चलो घुमा दो घुमा दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं रेडी हुई, बस मुझे बाल बनाना है, मैं खुले बाल ही जाऊँगी। और बेटा को मैंने रेडी कर लिया है, मम्मी भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस बड़ा बड़ा बेटा पूजा कर रहा है, उसके बाद वो भी रेडी होगा, फिर हम लोग निकलेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट रेडी होने के बाद। रेडी, अब हम लोग चलेंगे घूमने। और आप भी चलिए, आपको दिखाते हैं कोलकाता का ये वाला मेला। बहुत सारा मेला आप लोगों ने तो देखा ही है। जल्दी करो यार, बस बेटा पूजा ही कर रहा है, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पहले वो ड्रेसअप अपना चेंज करेगा, अपने आप को अपडेट करेगा, देन वो पूजा करने बैठेगा। अभी तक 3 ड्रेस उसका चेंज हो चुका है। देखिए अभी कौन सा पहन के आता है दिखाने के लिए कि फाइनल कौन सा पहन के जाएगा। तुम अपना शूज बांधे हो पहले ये बताओ। ठीक, हम लोग चल रहे हैं बाहर, तो हम लोग आपसे मिलते हैं डायरेक्ट मेला में पहुंचने के बाद। यही शॉपिंग में मुझे गर्मी होने लगी यार, लिटरली आपको अगर दिख रहा है तो देखिए कितना पसीना हो रहा है मुझे। ओ माय गॉड, मैं क्यों बाल खोल के आई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। अभी तो घूमना शुरू ही, अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी तो एंटर ही किया है मैंने। ले लिए, ये हम लोगों का फेवरेट पान का ठेला, जो कि बाद में खाएंगे हम लोग। अभी तक संता यहाँ पे रखा ही हुआ है यार। मैंने यहाँ पे लोकल दुकान से ही ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, लिपस्टिक लिया है, और ये वाला भी एक लिपस्टिक ही है, और ये छोटा वाला एक बिंदी लिया है मैंने। देखते हैं अभी शॉपिंग स्टार्ट ही है। ये लीजिएगा क्या? अरे यहाँ पे जितनी चीज़ें है सिर्फ 20 रुपये की है, बहुत चीप है। तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं हम लोग भी, इसका लिप्स उठाते हैं। उधर तो 10 रुपये में भी कुछ लिखा है क्या? वो फिनाइल क्या बोली है सर, वो कपड़ा मेरा। मिल रहा है 130,
बहुत अच्छा कपड़ा का सेल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट कितना अच्छा आया है, मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। क्या हुआ ये जब से एंटर किया इसको खिलौना खेला, मैंने पहले देख लेने थे मेला कैसा है, उसके बाद खड़ी तुमकी तो देखने ही नहीं दे रहा यार। ये क्या है? अच्छा पिल्लो कवर है, 80 रुपीज करके, और तुमको 12 रुपीज दिख रहा है, 99 दिखा है, वही मैं बोलूँ कहाँ 12 रुपीज में मिल रहा है भाई। आप देखिए यहाँ पे प्राइस देख लीजिए आप, गर्मियों के लिए ये 3/4 पैंट भी मिल रहा है सिर्फ 110 का। अच्छा है, ट्राउजर भी मिल रहा है 150 का, अच्छा है। क्या हुआ तुमको, टॉयलेट लग गई क्या? अबे बहुत क्यूट क्यूट है, क्यूट तो? अच्छा है ना, गुड। अब रास्ते बड़ी से ही बजाते चलना, ठीक है बेटा। देखिए कितना अच्छा है ना, इतना सस्ता नहीं पट गया, इसका डिमांड तो महंगा महंगा चीज लेने के लिए, बट मैंने बोला कि नहीं यार अभी रहने दो, बाद में लेना। मैंने बोला कि कुछ हल्का वल्का कुछ ले लो। मेरा बेटा देखिए ये कितना अच्छा, ये इसे खेलोगे ना बेटा, अच्छा है ना, अच्छा है ना। हाँ देखिए तो मेरा बेटा कितना अच्छा है इसी में स्कूल से। क्या हो गया आपको, क्या लेना है? तो वो दुकान से ले लीजिएगा ना, यहाँ पे ऐसे सिंपल रखा है तो। आई हूँ यहाँ सिंपली लस्सी पीने, कैसे करके एक ग्लास 20 मैंगो हवे लस्सी है। अच्छा फ्लेवर की जो ना फाइनली इतना गर्मी में थोड़ा सुकून मिला लस्सी। ठीक है, ये भाजी है पाव का, और अभी खाया जा रहा है पाव भाजी। इनका देखा इसका, तुमको क्या चश्मा लग आँख से खाना है कि चश्मा निकाल के खा रहे हो? वाह अच्छा है, खाइए। आप क्यों नहीं खा रही है, खाइए। एक काम कीजिए ना, वो प्लास्टिक उस पर रख दीजिए, प्लेट हाथ में उठा के खाइए। लो अनुराग, स्पून तो देखो इसका यार, क्या स्पून दिया है। नींबू निचोड़ लो उसमें, तभी ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। ये लोग यहाँ पाव भाजी खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी खाने का पाव भाजी। कैसा बनाया है? ठीक है, अच्छा है। हाँ कैसा है? ठीक है, अच्छा अच्छा बनाया है। और यहाँ पे लाइट इतनी अच्छी लग रही है, मेरा ग्लो बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लाइट है यहाँ। और ये लोग अपना पाव भाजी इंजॉय कर रहे हैं, और अभी भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग आए थे तो खाली था ना, अभी इतना भीड़ हो गया है, मतलब लग रहा है धक्का मुक्की हो रहा है चारों तरफ, हर जगह भीड़ है यार, हर जगह। बहुत बड़ा बनाया है ना, हर जगह भीड़। कहाँ वहाँ चोखा देता है पटना में, वहाँ पे ठीक देता है पाव भाजी, कुछ भी। इसका भाजी का कलर मुझे उतना अच्छा नहीं आ रहा है, रिच नहीं आ रहा है। तो भाजी बना के रखता है, और जब देना होता है तो बटर डाल के अच्छे से फिर भाजी को भून के दम देता है। ठीक लग रहा है ना मम्मी? मम्मी को ठीक लग रहा है, बस इनका क्या है, इनको तो दिन भर में 50 जगह का खाना है। क्या हुआ, खा लिए? मन भर गया, ठीक लग रहा है ना? मेरा बेटा खुश है मेला में आके, इसे चश्मा खरीदा गया, इसका खिलौना। ये तो जब खाने बैठेगा तो इसे कंपटीशन करना है कि ये जीतेगा और बाकी सभी लोग हार जाएंगे। अभी नानी के साथ बात करने में व्यस्त है। बोले नहीं, बच
बच्चों का फरमाइश का कोई अंत नहीं है। 20 रुपया है ना जी, ये लोग बोले कि भी 20 रुपया था, अभी ये लोग आया था। हो गया खुशी, फालतू का झूला झूलना है। मेला घूम लिए हैं और अब हम जा रहे, इधर आओ ना, इस साइड पकड़ो, इस साइड है। तो फाइनली यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, इतना गाना बज रहा था, हम लोगों ने एक भी रील्स भी नहीं बनाया। सोच के आई थी कि मैं रील्स बनाऊंगी, बट इतना साउंड है कि उसमें क्या ही सुनाई देगा। तभी निकलते हैं घर से बाहर और हम लोग खाएंगे हम लोग की परंपरा आइसक्रीम। चलिए निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये बाहर में इतना ज़्यादा भीड़ है, खिता छा डेकोरेशन किया है, इधर दोनों साइड मार्केट लगा। 23 फरवरी तक रहेगा ये मेला, अभी मेला स्टार्ट ही है, मतलब 23 जनवरी से अब बहुत बड़ा मेला लगा है। और हर तरह की चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें भी है, महंगी चीज़ें भी है, जैसा कि नॉर्मली हर मेला में होता है। तो इन सब अच्छा लगा हम लोगों को घूम के। आप लोग भी अगर रहते हैं यहाँ आस पास तो आके घूमिए और इन्जॉय कीजिए, मेला का लुत्फ उठाइए। और अभी हम लोग खाएँगे आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना है ना, चलो चलते हैं। कहाँ है आइसक्रीम का ठेला, ये रहा, क्या हुआ, कौन सा लेना है, वाइट वाला, हाँ कैसे करके है ये, कितना ले, 250 ले लें, 250 दे दीजिएगा, इसको 200 दे दीजिएगा खाएगा। और अभी हम लोग ये ले रहे हैं, इसमें का गुड़ वाला भी है, हम लोग चीनी वाला ले रहे हैं। ये हम लोगों का हमेशा का है, जब भी हम लोग मेला घूमने आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। पैसा देखिए पर्स में हो उसी में होगा, तो कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर इस सब चीज़ों में से लेके जाते हैं, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। क्या दिखा कौन सा आइसक्रीम खाइएगा, चलिए आइसक्रीम खाना है ना, चोकोबार वाला 15 है, 25 है, 35 है, 15 वाला दीजिए, 4 रुपये, 10 रुपये चेंज दीजिए मैं, गरीब आदमी है हम लोग, भाई 50 रुपये वाला कौन खा दिया था, 10 रुपये चेंज होगा उसमें दीजिए। ऑरेंज दीजिए, ऑरेंज क्या खाओगे तुम, ऑरेंज खाओगे, ऑरेंज तो 10 का होगा, येलो का, येलो 10 का है ना, ये 15 ही रहने दीजिए, चलो अब खाते होगे नहीं तुम, येलो नहीं है, अब क्या हुआ, मैं ये वाला ले, हां तुम्हारे लिए ही ले लो, कितने वाला है, 10 का है वो, तो कितना हुआ, 5 रुपया कम, फार हो फार के दो ना अंकल को, तो फार के देंगे वो क्या देंगे। आइसक्रीम खाने के लिए कितना दीजिए, अभी सर्दी होगा फिर बता रही हूँ, सुबह में भी गुआवा खाए हो, टेस्टी है, हम लोग अपनी परंपरा बरकरार रखते हैं। इधर आओ, मैं पहले रोड क्रॉस करा देती हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। हाँ ये क्या है, जग में पानी है, पी लीजिए, खाली बॉम्बे वो मिला है, घर के लिए यहाँ से एक चौक पैक करा रहे हैं। मैंने सोचा लगे हाल आपको स्ट्रीट फूड बनता कैसे है, यहाँ वो भी दिखाई देती हूँ। ये चीनी है, अजीनोमोटो ना, हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, काली मिर्च बस, ये है इनके।
क्या मसाला, यहाँ से ये सारे मसाले डाल रहे हैं। यहाँ से कुछ बिंदी वगैरह लेना था तो हम लोग आ गए हैं, और ये चाप लेना था क्या? हाँ हाँ, तुम किसी से कम नहीं हो। ये ब्लैक वाला दे दीजिए, और वो उसमें कहे, और ये वाला बिंदी, और तो कुछ नहीं। अच्छा, अलता लेना था ना। आ गए हम लोग घर, सभी कपड़ा चेंज कर रहे हैं अभी। मम्मी तो अपने अलग पोजीशन में है अभी, उसका तो कपड़ा चेंज भी नहीं हुआ है। बट मुझे तो बाहर से आ रहे बस सबसे पहले जो है वो कपड़ा चेंज चाहिए। लो लो, ये बेटा का दिन है ना। अब कंटिन्यू बजाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या दें? ये वाला निजी, ये वाला पेटीकोट भी ना अभी डाल। अच्छा, ये वाला जो है इसको मॉर्निंग में दे दूंगी। ये भी लेके आया है ये खाने के लिए, है ना? अभी देखेगा बच्चे, छुपा देते हैं। और क्या था? अच्छा, ये अपना चश्मा इसी में डाल दिया है। लीजिए, तो अब हो ही गया, उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा ना। समझी? और तो कुछ नहीं ना निकालना था इसमें से? हो गया ना? क्या? हाँ ठीक है, वो निकालते हैं। पहले इसको साइड कर दो। क्या है? हाँ, मुँह धो लो। आने के बाद मुँह धोया जाता है। चलो, कुछ तो अच्छी चीजें याद कर रहे। हम लोग पूरे 3-3.5 घंटे मेला घूम के आए हैं, और पैर जवाब दे चुका है। क्योंकि घर के बगल में था तो हम लोगों ने कुछ ऑटो वगैरह भी नहीं लिया, पैदल ही गए थे। पूरा मेला घूमा, फिर पैदल घर वापस आए हैं। पूरे थक चुके हैं हम लोग। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ आइसक्रीम ही खाया था मैंने, और कुछ नहीं खाया। इच्छा नहीं करा था, बट अभी नूडल्स हम लोगों ने 2 पैकेट लिया तो उसमें से थोड़ा 2-4 चम्मच खाऊंगी बस, और कुछ नहीं खाऊंगी। इच्छा नहीं कर रहा मुझे खाने का। इसको रख दो तो पूजा के पास, ये धूप काठी लेके आएंगे। तो गेट तो खुला नहीं है बोला। देखो भैया उस रूम में गया है, खोल दिया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओ, उसको खोलो तो अच्छे से। और अभी हम लोग खाएंगे नूडल्स, में ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा ही खाऊंगी अच्छे से। वो नीचे सॉस दिया होगा ना, अच्छे से सैलड। हाँ, सॉस सैलड होगा तो देता। हाँ, कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। खाओ खाओ, आओ अनुराग। मम्मा को भी खिलाओ। खाओ ना, गिलास ले आओ। तो स्पाइसी बनाने के लिए खाओ, उतना स्पाइसी नहीं है। अच्छा बनाया। तो डिनर में कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अपने घर में हुआ ही। हाँ, और यहाँ पे कार्टून की कहानियाँ चल रही है। क्या होता है? वो चश्मा लगा के उसका लाइक ऑन करने वाला। अच्छा, क्या बोलता है? इसका कहानी खत्म नहीं होने वाला है। पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये कार्टून जो देखता है ना, तो उसकी कुछ स्टोरी इसको याद आई सडनली, तो अपने भैया के साथ शेयर कर रहा था कि ऐसे चश्मा लगाता है तो पता नहीं क्या टिपता है तो उड़ता है।
क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आता इसको, इतना कंटिन्यू बोलता है ना, बोलने में बिल्कुल मेरे ऊपर गए बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा। तो अभी तो बस अच्छे से घूम लिए हम लोग, बहुत ही ज्यादा मजा आया घूम के, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। अभी तक मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, फेस पहले की तरह ग्लो कर रहा है यार, पेट पे क्यों। हाँ, हाय, हम कार्टून की बात कर रहे हैं, कहानी की। तो बस अभी हम लोग सोएंगे और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ पूरी, ये तो नाश्ता भी हो जाएगा, और साथ में भाई जा रहा है आज छोटी बहन के यहाँ, तो वो अपने साथ ट्रेन में खाने के लिए भी लेके चला जाएगा, इसलिए हम लोग यही आज बना देते हैं नाश्ते में एक ही साथ। तो बस ऐसा रहा कुछ कल का मेला हम लोगों का। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो क्या करना है आपको तो पता ही, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश को साफ बनाए रखने में मदद कीजिएगा। बस तो आप भी नाश्ता बनाइए और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाइए।